जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का चैप्टर। पहले उसके फंडा को हम लोग क्लियर करते हैं, उसके नियम को देखते हैं। त्रिकोणमिति, देखो त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री यह मैथ की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, त्रिकोणमिति होता क्या है ना, अध्ययन किया जाता है ना। के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति में देखो क्या होता है, इसमें जो होता है समकोण त्रिभुज को यूज किया जाता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, कोण बी इक्वल से 90 डिग्री है, तो इसमें कर्ण क्या होता है? कर्ण को ध्यान रखेंगे, कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण क्या होता है? 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी, हमेशा जो 90 अंश के सामने की भुजा होगी वो कर्ण होगी। अगर मान लीजिए त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है, 90 अंश ये बनेगा आपका, अब ये कर्ण आपका हो जाएगा। जब भी जो भी कोण होगा 90 अंश के सामने होगा वो कर्ण हो जाएगा, कर्ण नहीं बदलता है। तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगा। आपसे लंब पूछा जाएगा, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, तो लंब और आधार इसके क्लियर नहीं होते हैं। लंब और आधार जो होते हैं कोण के आधार पे बदलते रहते हैं। अगर हम लोग इस कोण के बारे में बात करेंगे तो लंब ये होगा, ये कोण के बारे में बात करेंगे तो लंब ये होगा। अगर ये कोण होगा तो लंब ये होगा, आधार अपने आप ये बन जाएगा। अगर ये कोण होगा तो लंब ये होगा, आधार ये अपने आप बन जाएगा। तो इन चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे कि कर्ण नहीं बदलेगा, केवल लंब और आधार बदलते रहते हैं। इसके बाद आता है त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। 6, पहला होता है साइन, इसके साथ कोई एंगल लगा होगा, हम लोग मान लेते हैं थीटा, कोई भी एंगल लगा होगा, ए लगा हो सकता है, बी लगा हो सकता है, सी लगा हो सकता है, कोई भी एंगल लगा हो सकता है। तो एक होगा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होगा टेन थीटा, चौथा होगा कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या होता है कॉसेक थीटा। ये 6 होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इनका जो फार्मूला बनता है, फार्मूले को हम लोग कैसे याद करके रखेंगे? जो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब, लंब अपान होता है कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपान होता है हाइपोटेन्यूस होता है, एच हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण होता है। इसको बोलते हैं हम लोग बेस अपान बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं।
तीसरा होता है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब, लंब अपान होता है आधार होता है, इसको बोलते हैं लंब मीन्स होता है परपेंडिकुलर, आधार मीन्स होता है बेस, कॉट थीटा होता है इसका उल्टा होता है, इसी का उल्टा। लेकिन तीन को अगर हम लोग याद करके रखेंगे तो ये तीन अपने आप से याद हो जाएंगे। इन ये जो तीन होते हैं इन्हीं के उल्टे होते हैं, जो काट होगा टेन का, सेक होगा कास का, कॉसेक होगा साइन का। तो काट थीटा जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा आधार, अपान कितना हो जाएगा लंब। आधार, आधार को हम लोग लिखते हैं बेस, लंब को लिखते हैं परपेंडिकुलर, इसका उल्टा हो जाएगा। जो सेक थीटा होता है वो कास का उल्टा होता है, कर्ण बटा होता है आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, अपान हो जाएगा आधार यानी कि बेस। जो कॉसेक थीटा आपका होता है साइन का उल्टा होता है कर्ण, अपान हो जाएगा लंब, लंब हो जाएगा, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, अपान होता है परपेंडिकुलर, नहीं हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर होगा। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर हमको निकालना होगा, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल हम लोग लिए हैं, इस ट्रायंगल में अगर हमको निकालना होगा, जैसे मान लो इस ट्रायंगल में मान लेते हैं ये कोण जो है आपका, ये कोण मान लीजिए थीटा वन है, ये कोण मान लीजिए थीटा टू है। तो देखिए इस इसमें क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, अगर ये मान लो एक्स है, ये मान लीजिए वाई है, ये मान लीजिए जेड है, कुछ ऐसे दिया गया है। जनरली हम लोग सोच सकते हैं अगर ये एक्स वाई जेड दिए गए हैं, एक्स वाई जेड दिया गया है, अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो साइन हमको क्या करना है, साइन थीटा वन अगर निकालना है, साइन थीटा वन, तो इसका हम लोग जो होता है फार्मूला याद करके रखेंगे, लंब अपान कर्ण होता है। तो थीटा वन के लिए लंब कौन होगा, कोण के सामने वाली भुजा जो होगी लंब होगी, यानी एक्स अपान कितना हो जाएगा कर, कर, कर कितना होगा नहीं बदलेगा जेड, यस अपान कितना हो जाएगा जेड, साइन थीटा वन इसके सामने का लंब कर कभी नहीं बदलता है। और फिर अगर आपको साइन थीटा टू पूछा जाएगा तब क्या करेंगे, साइन थीटा टू अगर इस एंगल की बात हम लोग करते हैं, जब इस एंगल की बात होगी तो लंब ये बन जाएगा, ये हो जाएगा लंब, लंब बटा कर, लंब कितना हो जाएगा यहां इसके सामने का वाई, अपान कितना हो जाएगा जेड। देखो यहां पे क्लियर हो गया आपका कि अगर हम लोग क्या किए, एंगल ये लिए तो लंब ये हुआ, क्योंकि लंब की जगह ये आया है, एंगल ये लिए तो लंब ये हो गया, तो एंगल की जगह लंब की जगह ये आया है, इस तरह से होता है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कॉस थीटा वन निकालना है, कॉस थीटा वन तो आधार बटा कर, आधार बटा कर, ये चीज हमको याद होना चाहिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर, यहाँ थीटा वन रहे चाहे पीटा वन रहे चाहे कोण कोण कुछ भी रहे, कोई भी एंगल रहे, फॉर्मूला हमेशा यही होगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो जाएगा, देखो थीटा वन के लिए ये लंब दिया ना वाई अपान जेड, टेन थीटा वन, टेन थीटा वन, टेन थीटा वन के लिए होता है लंब बटे आधार, लंब बटा आधा वाई, इस तरह से ये बन जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम कहते हैं कॉट थीटा वन कितना होगा, कॉट थीटा वन आधार, आधार बटा लंब, आधार थीटा वन के लिए आधार वाई अपान लंब एक्स वाई बाई एक्स, इस तरह से हो जाएगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा वन, सेक थीटा वन हो जाएगा कर्ण बाई आधार होगा, कर्ण बाई आधार हो जाएगा आधार, कर्ण का मान कितना है जेड है, आधार का मान कितना है थीटा वन के लिए वाई है वाई, कॉसेक थीटा वन कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा वन, ये हो जाएगा कर्ण बाई लंब, कर्ण बाई लंब हो जाएगा, कर्ण कितना कर, कर्ण आपका जेड, जेड हो जाएगा, लंब कितना लंब थीटा वन, लंब एक्स एक्स। ऐसे ही इसको आप फाइंड करोगे, थीटा टू के लिए लंब ये होगा आधार ये होगा कर ये होगा, जैसे टू निकाल देते हैं तो कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, तो ये होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार
थीटा टू के लिए आधार, थीटा टू के लिए लंबाई होगा, आधार ही होगा, हो जाएगा x अपान z, बाकी को आप लिखेंगे, खुद लिख डालिएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करते हैं। अब एक चीज देखो यहाँ पे क्लियर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे चीज क्लियर हो जा रहा है कि जो cot थीटा है किसका उल्टा है, tan का, tan बराबर ये लंब बटे आधार, cot बराबर आधार बटे लंब, यानी tan cot का उल्टा, cot tan का उल्टा, sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये कर्ण बटे आधार, ये आधार बटे कर्ण, उल्टा हो जा रहा है। यानी क्या हो गया, सेक कास जो हुआ सेक का उल्टा हुआ, सेक जो हुआ कास का उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। फिर होता है साइन जो होता है, साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। अब यहां तो क्या क्लियर हो रहा है, यह लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण ये है, और ये हो जाएगा कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब हो जाता है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे, चलिए ठीक है, देखते हैं। मगर मत छूट रहा है, थोड़ा इसका व्यवस्था करते हैं, मगर मत छूट रहा है, चलिए ठीक है। फिर देखो अब हम इसको एक एग्जांपल से देख के देखते हैं, एग्जांपल समझने का कोशिश करते हैं। एक चीज देखिए, सब लोग जानते होंगे, बहुत पहले से जानते हैं हम लोग कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय सबको पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स होता है लंब का स्क्वायर, इक्वल्स प्लस होता है आधार का स्क्वायर। ये फार्मूलों को आप क्या करेंगे, कहीं पे लिख लेंगे, उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण को देखेंगे और समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने का। देखिए अगर मान लो, मान लीजिए अगर लिख दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू लिखा है थ्री अपान फोर लिखा है, थ्री बाई फोर, तो आपको क्या करना है, थ्री बाई फाइव लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू थ्री बाई फाइव लिखा है, तो आपको क्या करना है, आपको शेष त्रिकोणमिति अनुपातों को बताना है, शेष त्रिकोणमिति अनुपातों को बताओ, त्रिकोणमिति शेष त्रिकोणमिति अनुपातों को बताओ, अनुपातों को बताओ, अनुपातों को बताओ। तो कैसे हम लोग बताएंगे, चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं। यहां पे देखे, इसको लिखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, हल में लिखेंगे, हल में साइन थीटा इक्वल टू थ्री अपान फाइव इक्वल्स, इसको लिखेंगे लंब अपान फावड़ा याद करके रखेंगे कर्ण, तो जो लंब होता है, लंब लंब इक्वल टू हो जाएगा थ्री, चूंकि ये अनुपातिक राशि है, अनुपातिक राशि को हो तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल, किसी एक चर राशि से हम लोग गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों में, तो लंब 3x हो जाएगा, कर्ण जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 5x हो जाएगा 5x। चलो ठीक है, लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, हमको पता क्या करना है, पता कर लेना आधार। तो आधार कैसे पता करेंगे, ये मान लीजिए ट्रायंगल आपका बना, जो एंगल दिया रहेगा ये थीटा है, तो हम लोग इसी को थीटा मानेंगे, इसके सामने का लंब हो जाएगा, इसके सामने का लंब यानी 3x, कर्ण कितना 5x, 5x हो जाएगा ना। तो आधार हमको फाइंड करना है, आधार ये निकालना है, मान लो ये PQR है, तो इसमें हमको क्या करना है, हमको आधार को निकालना है, आधार तो पाइथागोरस थ्योरम से होता है, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा PT रूल, इसको बोलते हैं PT रूल से, PT रूल से क्या हो जाएगा, पीटी रूल से या पीटी थ्योरम, पीटी रूल से क्या हो जाएगा, पीटी से क्या हो जाएगा, पीटी से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फार्मूला लिख देंगे, फार्मूला याद हो जाए, कर्ण आपको पता है 5x का स्क्वायर हो जाएगा, लंब आपको पता है 3x का स्क्वायर प्लस आधार नहीं पता है, आधार हम लोग क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे,
ये हो जाएगा 25x² + 9x² + आधार का स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर आधार का स्क्वायर इधर आएगा 25x² - 9x² 25 में से 9 घटाएंगे ये बचेगा 16x². अब हम लोग आधार इक्वल टू निकाल देंगे, देयरफॉर आधार इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, देखो स्क्वायर घटेगा तो इधर अंडर रूट बनेगा 16x² बराबर अंडर रूट हट जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4x² हो जाएगा एक्स, आधार आपका आ गया 4x। जब आधार आपका 4x आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग निकालेंगे इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालेंगे, cos थीटा फार्मूला याद करके रखेंगे, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, याद है ना, ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 4x अपन आधार बटे कर्ण अपन कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, x कट जाएगा 4 अपन कितना आएगा 5। ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज अगर आपको पता है तो बाकी त्रिकोणमिति इसी पे बेस्ड है, अगर आपको ये तैयार होगा आपका तो बाकी त्रिकोणमिति आपके लिए आसान हो जाएगी, ये बेसिक चीजें हैं सर। cos थीटा tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब अपान आधा, लंब कितना है 3x, लंब 3x क्यों कोण भैया है, आधार कितना 4x और एकड़ जाएगा 3/5 कितना आएगा 4 हो जाएगा। हम लोग निकालेंगे cot थीटा, अब आप इसको खाली उल्टा कर सकते हो, cot थीटा जो होता है tan का उल्टा होता है तो 1/5 हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, तो 1/tan थीटा का वैल्यू रख देंगे कितना 3/4, ये पलट जाएगा 4/3, या इसके फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं आधार बटे लंब, तो आधार कितना 4x, लंब कितना 3x, x x कट जाएगा 4/3 आ जाएगा आपको। sec थीटा जो होता है cos का उल्टा होता है, तो cos का उल्टा होता है या फिर आप फार्मूले से लगाओ कर्ण बटे कितना हो जाएगा आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना 5x, आधार कितना 4x, तो 5x अपान कितना हो जाएगा 4x, x कट 5/4। cosec थीटा कितना हो जाएगा कर्ण बटा लंब या साइन का उल्टा, कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना 5x, लंब कितना 3x कट गया 5/3 हो जाएगा। अब ये चीजें देखो यहां से आपको क्लियर हो गई ना, हम फार्मूले के आधार पर बताए, एक आध एग्जांपल और देखते हैं, चलो ठीक है, पहले चीज हम लोग देख लेते हैं, कुछ फार्मूले देख लेते हैं जिनका यूज हम लोग बार बार करेंगे, फार्मूले देखते हैं जो यहीं से निकले हुए हैं। देखो क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, 6 को याद करके रखेंगे आप, देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी देखा गया है इसको फार्मूले को याद करके रखोगे, ये भी बेसिक फार्मूले हैं सब, साइन थीटा जो होता है किसका उल्टा cosec थीटा का, आपको याद होना चाहिए cosec जो होगा इसका उल्टा हो, cosec थीटा sin का उल्टा 1/sin थीटा, ऐसे ही cos थीटा जो होता है cos थीटा किसका उल्टा sec का उल्टा, जो sec थीटा होता है किसका उल्टा इसका उल्टा cos का उल्टा cos थीटा, जो tan थीटा होता है किसका उल्टा cot का उल्टा 1/cot थीटा, जो cot थीटा होगा किसका उल्टा tan थीटा का उल्टा हो जाएगा, देखो cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा, जहां जरूरत पड़ेगी हमको हम लोग इनको यूज करते रहेंगे। एक फॉर्मूले को और याद करके रखेंगे कि tan थीटा इक्वल्स होता है sin थीटा अपान होता है cos थीटा, फिर cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपान कितना होता है sin थीटा, चलो ठीक है, इन फार्मूलों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक उदाहरण हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी से, एक एग्जांपल देखते हैं,
टेन ए बराबर लिखा 4/3, बहुत इजी है, आप खुद करोगे। एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल वन आप खुद करो, इसी के आधार पर वीडियो रोक के पहले एग्जाम्पल को करो आप। एग्जाम्पल वन खुद से कराएं आप। हम लोग देखते हैं आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फोर्थ, 8.1 का आपका फोर्थ क्वेश्चन है। लिखा है 15 कार्ड ए इक्वल टू 8 है, एक्सरसाइज का आपका एग्जांपल देख रहे हैं। 15 कार्ड ए, देखिए जिस तरह से हम लोग ये लगाएंगे उसी तरह से एग्जांपल आएगा, या जिस तरह से एग्जांपल आया होगा उस तरह से इसको लगाएंगे। 8.1 का हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, फोर नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। फोर नंबर क्वेश्चन है 15 कार्ड ए, 15 कार्ड ए, 15 कार्ड ए इक्वल्स है 8 है। आपको निकालना क्या है, साइन ए का वैल्यू निकालना है, कॉस ए का वैल्यू निकालना है, साइन ए कॉस ए, सॉरी कॉस नहीं निकालना है, सेक निकालना है। ठीक है, हम कॉस भी लिख रहे हैं सेक भी निकालते हैं। तो साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, सेक ए निकालना है, कॉस नहीं निकालना है, फिर भी हम निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखिए सॉल्व करेंगे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉट ए, कॉट ए इक्वल्स हो जाएगा, कॉट ए इक्वल्स हो जाएगा, इसको उधर ले आओ, 8 अपान कितना हो जाएगा 15, 8/15 हो गया। अब कॉस ए इक्वल टू आप जानते हो आधार अपान लंब, आधार बटे लंब होता है, आधार कितना किसी वेरिएबल से किसी चर राशि से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आधार इक्वल टू हो जाएगा 8y, कोई भी आप एक वेरिएबल ले सकते हैं चर राशि, आधार हो जाएगा 8y, लंब हो जाएगा, लंब आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15y होगा। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, क्या निकालना, आधार है लंब, हमको कर्ण निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे इसको ऐसा, ये जो एंगल ए रहेगा इसको हमेशा इसी को मानिएगा क्योंकि हमारे इसके सामने लंब मिल जाए, ए हो गया। अब बी मान लो, सी कहीं भी मान लो, कहीं मान सकते हैं आप। अब इसमें हो जाएगा आपका, देखो इसमें क्या काम करेंगे, ए हो गया तो आधार पता, लंब पता, हमको क्या निकालना है, कर्ण, कर्ण क्या होता है जानते हो आप, क्या होता है, नब्बे इसके सामने की भुजा होता है, ये कर्ण होगा, लंब ये हो जाएगा 8, लंब हो जाएगा 15y, आधार हो जाएगा 8y, आधार आपका 8y हो जाएगा, 8y हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, कर्ण जो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आप लिखोगे यहां पे, देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, कर्ण नहीं पता, लंब कितना 15y, 15y का होल स्क्वायर, आधार कितना 8y का होल स्क्वायर, 15 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 225y², इसका हो जाएगा 64y², जब इनको हम लोग जोड़ेंगे 5, 4, 9, 6, 2, 8, 2, 8, 9y², कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। अब हम लोग कर्ण निकालेंगे, देयरफॉर कर्ण इक्वल टू हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 289y². अब देखो 289 का जो आपका स्क्वायर रूट निकलेगा, 289 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, ये होता है 17 होता है 17, और वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा वाई, 17y, आपको कर्ण निकल गया 17y। देखिए जब हम सब निकाल लिए, भुजा निकाल लिए, जब भुजाएं निकल गए तो हम लोग चाहे जिसका मान निकाल लें, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, आपको निकालना है साइन ए, देखो साइन ए, साइन ए इक्वल हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है, लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण, लंब, लंब कितना आपका है,
लंब हो जाएगा ए के सामने 15 वाई हो जाएगा लंब इसके सामने का 15 वाई और कर्ण कितना हो जाएगा 17 वाई 17 वाई 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 कट 15/17 ये आपको साइन ए निकल जाएगा। अब आपको निकालना है साइन ए हो गया कॉस ए निकालना है कॉस ए कॉस ए इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण आधार कितना आधार है आपका ए के लिए लंबाई आधार है 8y बटे कर्ण कितना वही होगा 17y कट 8/6 17 हो जाएगा ये cos a हो जाएगा। अब आपको sec a निकालना है sec a इक्वल टू हो जाएगा sec a इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा कितना हो जाएगा cos बटा कर्ण बटा आधार हो जाएगा यानी हाइपोटेन्यूस अपान हो जाएगा बेस हाइपोटेन्यूस अपान हो जाएगा बेस तो कर्ण कितना 17y इसी का उल्टा हो जाएगा इसी का उल्टा 17y अपान कितना हो जाएगा 8y y कट 17 अपान कितना हो जाएगा 8 sec a। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमको पता है जो क्या नाम होता है आपका समकोण त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके दो साइड अगर हमको पता हो त्रिकोणमितीय अनुपातों से हमको दो साइड में कोई रिलेशन मिलेगा किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात से दो साइड में रिलेशन मिलेगा जब दो साइड हमको पता होगा तो तीसरा साइड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। जब तीसरा साइड हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। तो ठीक है पहले इतनी चीजों को आप अभ्यास कीजिए इसके आगे एग्जाम्पल सहित और एक्सरसाइज को हम फिर आपको इसके आगे वाले वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जा रहा है इसलिए जय हिंद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।